बरसाने चल रही है। परेशाने चल रही है, पीली पोखर प्रेम सरोवर, पीली पोखर प्रेम सरोवर, भानु कुंड में नहीं प्रार्थना करो कि हमें ब्रजवास मिल जाए, तो वो प्रार्थना श्री जी से करने की जरूरत नहीं है, वो प्रार्थना अपने मन से करने की जरूरत है। क्योंकि इंसान वही रहता है जहाँ उसका मन लगता है। अगर आपका बरसाने मन लग जाए तो फिर कोई ताकत नहीं है जो आपको वहां जाने से रोकता है। इसीलिए प्यारे समझाना अपने आप को है। हमें ये नहीं कहना कि लाडली जी कृपा नहीं कर रही है, कृपा तो इस मन की मांगनी है कि ये मान जाए तो मेरा जीवन सुधर जाए। वो जन्नत जीते जी स्वर्ग मिला फिर मर के क्या मांगे। जीते जी स्वर्ग सामने है, जन्नत सामने है। कितने किलोमीटर है मात्र, यहाँ से 300-250 किलोमीटर होगी, लेकिन उस जन्नत के लिए प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। अपने मन को समझाइए और चलिए किसे देंगे। चल मन बरसाने, चल मन बरसाने चल रही Oh!
बैठे थे, लीला तो बहुत लंबी है। छोटा सा बालक दादर रहमान 12 साल का, मथुरा का रहने वाला मुसलमान है, पर पता नहीं कब उसे इस वृंदावन के दुल्हा दुल्हन से प्यार हो गया है और यमुना किनारे आकर बैठा है। किसी से पूछ रहा है, क्या आपने कभी बरसाना देखा है? मैं कभी बरसाने नहीं गया। क्या आपने कभी राधा कुंड देखा है? तब एक रसिक ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले बरसाना कैसा है? बोले जहां हवा भी मोहब्बत भरी है, जहां का आसमान भी मोहब्बत से भरा है, जहां की कुंज कुंज निकुंज लता पता सब केवल मोहब्बत से भरी है। मैं किसी कष्ट के बाद अभी जब बरसाने गई ना, तो मैंने एक दो संतों से अपनी चिंता के विषय में बात की कि मैं इस बात से परेशान हूं, मैं बरसाने नहीं आ पा रही। वहां सबके मुख पर एक ही बात है, चिंता मत करो, महारानी बैठी है। सबको एक ही आश्रय है, वो 12 साल की लाली पूरे बरसाने को संभाल के बैठी है और सब इसी आस पे की कोई नहीं महारानी। इस समय कृष्ण मथुरा गमन के लिए गए ना, एक एक गोपी रो रही थी, एक एक गैया रंभा रही थी। यशोदा मैया का बुरा हाल था, नंद बाबा का बुरा हाल था, मेरी लाडली जी के दिल पर जो बीती वो तो लाडली भी जान सकती है, हम तो नहीं जान सकते। लेकिन फिर भी उनके माथे पर इतनी सी भी शिकन नहीं, बल्कि वो मुस्कुराते हुए सबको कह रही है, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं। वो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए जा रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हूं। वो लाली उस समय द्वापर में नहीं, आज भी बरसाने में अटारी पे बैठी सबको सांत्वना देती है कि तू आ तो सही, मैं हूं। जब हर बरसाने वासी के अंदर से आवाज आती है ना कि दीदी चिंता मत करो, महारानी है, वो बात दिन रात मेरे कानों में गूंजती है कि जब मेरी लाडली है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत। पानीपत के ही एक पति पत्नी है, मुझे बरसाने में मिले, अपनी 25,000 की नौकरी छोड़ के वहां 10,000 में बरसाने की सीढ़ियों पर जी के दहलीज पर बैठे हैं। मैंने जब इस बार गाया अटारी पे कि हम बरसाने वाले हैं, हम तो ऐसे ही गाते हैं, लेकिन जब वो जोड़ा कह रहा था गर्व से कि हम बरसाने वाले हैं, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, तुम ही बरसाने। एक बार जिगरा चाहिए, उसके बाद मेरी लाडली आपको फूलों की तरह रखेगी, लेकिन कोई आए तो सही। इसलिए प्यारे, बड़ी दुनिया की चापलूसी कर ली, बड़े दुनिया के गुण गा ली, ये ना कभी किसी की हुई ना किसी की होगी, इसलिए जिसको अपना मानना चाहिए आइए चले। नित्य प्रति चल मन बरसाने
गहबर बन और खोर साकरी श्री राधा दर्शन पैया